वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ अलग है। टाइटल पढ़ती हूँ। टाइटल है, राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में स्टूडेंट्स के सामने पुशअप्स और मार्शल आर्ट का करिश्मा दिखा चौंका दिया। अरे वाह। तो चलो देखते हैं आज का वीडियो और लेते हैं मजा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। किसी और को बुला रहे थे, उन्होंने किसी और को पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? मार्शल आर्ट्स। ये कैसा था? कुछ भी नहीं है। दैट्स गुड। मेरोलिन, शी इज मेरोलिन। मेरोलिन कौन है? खो खो की लिखा हुआ है। हेलो रघुवीर जी, आई हियर दैट यू विल डू एक्सरसाइज एंड यू लव फिटनेस। श्योर। सांस चढ़ावा है? मुझे तो सांस चढ़ावा लग रहा है। मी टेक पुशअप। हाँ, यू आर ट्राइंग टू एम्बैरेस मी। कैन यू टेक पुशअप्स? आई कैन टेक पुशअप। टेक, लेट्स ट्राई। डू पुशअप्स। ये पुशअप फंस गए कभी। ओके, ओ माय गॉड, ओ वेरी नाइस। कर लिया? वेरी नाइस। अब खड़े होके दिखाओ। वो तो ज्यादा कर रही है। नहीं, बोथ आर डूइंग 15 मिनट्स। नाउ वी मेक इट डिफिकल्ट। अच्छा, ट्राई विद वन हैंड। डोंट टेल मी राहुल गांधी एक हाथ से कर सकता है? दैट्स वेरी गुड इफ यू कैन। अरे वाह, ये तो कुछ भी नहीं किया, एक ही किया। वेरी गुड। मैं तो देखा भी नहीं ढंग से। एक बार मेरे को फिर से देखना पड़ेगा, मैं देख ही नहीं पाई। अच्छा किया था। वेरी नाइस। अच्छा, हैप्पी? यस। और करके दिखा भाई। क्यूट लग रहा है। कहाँ गई है? तो फ्रेंड्स, प्यारा वीडियो था और मैंने वो एक हाथ से करने वाला वो इतनी जल्दी किया कि मैंने जब तक मैं फोकस करके ध्यान से देखती हूँ खत्म भी हो गया। तो मुझे वो पता ही नहीं चला। मुझे लगा था जैसे वो पहले दूसरा पुशअप कर रहे थे वैसे ही एक हाथ से भी कई बार ही करेंगे, पर एक ही बार ही किया। शायद बहुत टफ होता होगा। मुझे तो एक दोनों हाथ से ही नहीं पुशअप होता, तो मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। पर काफी मतलब प्यारा वीडियो था जिस तरह से उन्होंने किया है कि भाई आए। अच्छा, वो जो मार्शल आर्ट था, मुझे तो लगा था कि बहुत ही मतलब वो कुछ जैसे कहते हैं ना जैसे ट्रेंड होते हैं उस टाइप से कुछ करके दिखाएंगे। वो तो कुछ हाथ कोई मेरे ख्याल से कुछ प्रेस करके किया था, कोई सेल्फ डिफेंस जो छोटों को इनिशियल दिखाते हैं ना कि अगर कोई आ जाए आपको अटैक करे तो कैसे करना है, तो उस टाइप का कुछ किया था। तो वो बेचारा लड़का भी शर्मा शर्मा के आया था, उस बेचारे को चोट भी लग गई होगी, पर वो कह रहा था नाइस, वो भी अच्छा था। और फिर जैसे उन्होंने लड़की के साथ किया पुशअप किए, वो भी अच्छे थे। तो मुझे ये नहीं पता चला, मैंने काउंटिंग तो की नहीं थी, मेरे को तो ये लगा शायद राहुल गांधी ने जल्दी खत्म कर दिया है। हस्बैंड कह रहे थे नहीं इक्वल करने थे, तो मेरे ख्याल से उन्होंने फास्ट किए हैं और वो जो लड़की थी वो थोड़ा स्लो कर रही थी फिर इस हिसाब से। तो पर वीडियो क्यूट था, मतलब
इतना मुझे तो लग रहा था जैसे होते हैं ना प्रॉपर मतलब कुंफू कराटे वाले वो कुछ दिखाएंगे या बहुत इंटेंस पुशअप्स और मैं कहूंगी अरे वाह, वो नहीं था पर हमारे जैसों से तो बहुत हजार गुना बेटर था। और वीडियो बड़ा क्यूट था जिसमें उन्होंने दिखाया उनके साथ मिलके डांस कर रहे हैं, थोड़ा सा वो कर दिया गानों के साथ कर दिया, तो मुझे लगा कहीं स्कूल में गए हैं शायद और वहां पे उन बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे। तो अच्छा वीडियो था, प्यारा वीडियो था, राइट, काफी अच्छा वीडियो था। तो काफी अच्छी बात है कि उन्होंने पुशअप्स किए हैं और वो काफी हम्बली कर रहे थे, हम्बली मतलब वो दिखाना नहीं चाहते थे कि भाई मैं ज्यादा नहीं दिखा रहे थे, दैट वाज गुड। उन्होंने बहुत जल्दी से पुशअप्स किए और बॉडी देख के पता ही चलता है कि वो पुशअप्स करते हैं। तो अच्छा, मुझे तो नहीं लगा राइट, तो उन्होंने पुशअप्स किए थे और पुशअप जल्दी से 15 अपने खत्म कर रहे थे और एक हाथ से किया था, और भी कर सकते होंगे मगर ऐसा अच्छा नहीं लगता दिखावा करना, तो बहुत हम्बली अच्छी तरीके से किया था। और मार्शल आर्ट्स का ये है कि सेल्फ डिफेंस के लिए उनको कुछ कोचिंग ली होगी, सेल्फ हर एक को जो भी पॉलिटिशियन है सेल्फ डिफेंस आपको आना चाहिए, तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस थोड़ा सा दिखाया था। बट देखिए पॉइंट यही है कि जो भी है अगर कोई भी इंसान अच्छे एक्शन करता है तो अप्रिशिएट होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि अच्छे एक्शन किए। ये हर इंसान जो है वो भी मतलब जो भी इंडिया का बच्चा है अगर वो अच्छा करता है तो अच्छी बात है, क्या इंडियन जो भी इंडियन है अगर वो अच्छा कार्य करता है अपनी कंट्री के लिए तो क्यों नहीं अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत खुशी हुई देखकर कि वो पुशअप्स कर रहे हैं, वेरी नाइस। और थोड़ा मार्शल आर्ट्स अगर थोड़े और मार्शल आर्ट दिखाते तो हो सकता है वो काफी अपने फॉलोअर्स बना लेते जो कहते मैं मार्शल आर्ट अभी जाके सीखता हूं, तो करना चाहिए ऐसे। इनफैक्ट पॉलिटिशियंस को कल्यारी पट्टू जो है वो दिखाना चाहिए था, वैसे ही सदर इंडिया में गए थे मेरे ख्याल से बोले तमिलनाडु में और नीचे केरला है जहां पे कल्यारी पट्टू था, तो उनको थोड़े बहुत कल्यारी पट्टू दिखाना चाहिए तो लोग बोलते अरे वाह हम भी सीखेंगे। जगह जगह जैसे कराटे के इंस्टीट्यूट होते हैं वैसे कल्यारी पट्टू को क्यों नहीं है, राइट, तो वैसे आने चाहिए। और उसके बाद जो है इन्होंने फिटनेस की भी बात की है कि जो भी यंग लोग हैं उनको पुशअप्स करने चाहिए, फिटनेस होना चाहिए, तो काफी अच्छा था, वेरी नाइस टू सी। और मजा तब आएगा कि पॉलिटिशियन इसी पे एक्सपैंड करके बोले चलो अब मैं इंस्टीट्यूट्स खोलता हूं स्पोर्ट्स के, मैं गारंटी करता हूं कि अब ओलंपिक्स में हमारे गोल्ड मेडल आएंगे, मैं ऐसे टारगेट बनाता हूं सब लोगों को अपनी कैबिनेट में कि हम लोग जो है मिलके ऐसा काम करेंगे, ये हमारे 5-6 स्पोर्ट्स हैं जिसमें हम काफी आगे आ चुके हैं, अब हम 5-6 गोल्ड मेडल लेके आएंगे। और जैसे मैंने एक बार कहा भी था मेरे ख्याल से इंडिया अपनी लाइफ में मेरे ख्याल से 2 गोल्ड मेडल मैक्सिमम लाया, अब इसको पढ़ा देना चाहिए, मतलब पॉलिटिशियंस को बोलना चाहिए देखिए मैं अच्छा हूं पुशअप्स में, मैं अच्छा हूं एक्सरसाइज में, अब मैं इन 5 गेम्स में आपको गोल्ड मेडल लेके रहूंगा, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हर कंट्री जो है पहले कुछ गेम्स में एक्सपर्टाइज लाती है फिर आगे एक्सपेंड करती है, ऐसा नहीं हर एक में पैसा लगाएंगे, उनको ना चाहिए 5 है फोकस एरिया इसमें हम ला सकते हैं गोल्ड मेडल लेके आएंगे, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बनेगी, छोटे जब बच्चे होंगे तभी से बच्चों को ढूंढना शुरू कर देंगे और स्कॉलरशिप्स देंगे जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उस तरीके का प्लान बनाना चाहिए। और जाना भी चाहिए बच्चों के साथ करने के लिए, कभी बॉक्सिंग करें तो बॉक्सिंग कर ली, थोड़ा ये कर लिया वो कर लिया, तो बच्चों को भी लगेगा अरे देखिए हमारे पॉलिटिशियन अगर ये कर रहे हैं तो हमें तो करना ही चाहिए। तो काफी अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। और जैसे हमने कहा कि जो भी इंसान इंडिया का बच्चा जो भी अच्छा कार्य करता है, जो भी इंसान जो है अच्छा कार्य करता है अपनी कंट्री के लिए, वो अप्रिशिएट करना चाहिए और करते भी हैं। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, मैं ये सोच रही थी कि अब जैसे ये गए हैं तो हो सकता है इसके बाद स्पीच में कुछ अच्छा बताया भी हो कि भाई हम इस टाइप से स्पोर्ट्स का कुछ करने का सोचा है या कुछ, तो वो तो उन्होंने पार्ट दिया नहीं, हो भी सकता है क्योंकि जिस तरह से वो दिखा रहे थे फोकस तो ऐसे ही लग रहा था कि एक्सरसाइज हेल्थ के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। पर वीडियो बहुत क्यूट था, देख के बड़ा मजा आया है। और जिस तरह से मैं तो वैसे ही पहले से ही बोलती हूँ कि राहुल गांधी की जो स्माइल है वो बड़ी क्यूट है, इतनी क्यूट स्माइल होती है कि लगता है कि भाई कहीं गलती भी अगर कोई कर देगा ना तो लाइक मन करता है कि चलो माफ कर दे। एग्जैक्टली, बड़ी इनोसेंसी फेस है और बड़ी इनोसेंसी स्माइल भी है। तो जब वो पुशअप भी कर रहे थे, सब कर रहे थे, तो उस टाइम भी वही स्माइल थी, डांस के टाइम भी वही स्माइल थी, तो बड़ा क्यूट वीडियो था। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।